एवरीवन, आई एम गीतांशी आदित्य और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ न्यूमेरिकल पैटर्न्स के एक्सरसाइज। सो आज हम एक्सरसाइज को फिल करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। अब हम एक्सरसाइज को फिल करेंगे। तो चलो आप सभी आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है? आप सभी कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाएं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको पेज दिख रहा है, आप इस पे आ जाएं जल्दी से। चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही ये पेज है, चैप्टर नंबर 6 पे। जल्दी से आप वहाँ पे आ जाएं और अब मैं आपको आंसर्स लिखवाऊंगी। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज सीमा ट्राइंग टू डू, सीमा क्या करने की कोशिश कर रही थी? तो सीमा वॉज ट्राइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स नीडेड फॉर हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। सीमा क्या करने की कोशिश कर रही थी? तो वो चॉकलेट्स गिनने की कोशिश कर रही थी जो कि उनके टीचर्स और उसकी फ्रेंड के लिए चाहिए थे। तो चलो आंसर नंबर 1 लिखते हैं। सीमा वॉज ट्राइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स needed for her friends and teachers. ठीक है, हाँ। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, हाउ डिड लीना सॉल्व द प्रॉब्लम, लीना ने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स में फिल करना है कि लीना ने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। तो देखो, नंबर ऑफ टीचर्स 50, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने थे, 50 थे। फिर बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे ये आपको फिल करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 30। तो आंसर नंबर 2 के बी में आप लिखेंगे 30। फिर सी, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स नीडेड, टोटल उन्हें कितनी चॉकलेट्स चाहिए थी। तो देखो, पहले वह आपकी बुक में दिया हुआ है 50, फिर 30, तो टोटल कितने हो गए, 80। तो सी में आप लिखेंगे 80। फिर डी, एक्स्ट्रा फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट क्लास, सीमा के कितने एक्स्ट्रा फ्रेंड थे, मतलब जितने उसके क्लास में थे उससे कितने ज़्यादा फ्रेंड्स उसके दूसरी क्लास में थे, तो 5 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप डी में 5 फ्रेंड्स लिखेंगे। तो आप टोटल नंबर ऑफ न्यू चॉकलेट्स कितनी हो गई, पहले देखो 30 था, 50 टीचर्स थे, ए में लिखा हुआ है, फिर 30 दोनों को प्लस करने पे 80, अब उसमें 5 और जुड़ गए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 85। अब आ जाओ एफ में देखो क्या बोल रहा है। The number sentence to solve the problem is 50 plus 30 is equal to a blank plus 5 is equal to blank. ऐसा दिया हुआ है, देखो 50 plus 30 is equal to blank plus 5 is equal to blank. तो देखो 50 teachers, 30 classmates, total कितने हो गए 80. अब ये 5 extra friends हैं, इनको 80 में plus करोगे तो 85। तो यहाँ पे 2 ब्लैंक्स थे, एक में आप भरेंगे 80 और दूसरे में आप भरेंगे 85। ठीक है, तो जल्दी से एक बार लिख स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रब कर देती हूँ और अब फिर हम आंसर नंबर 3 लिखते हैं। What kind of dresses did mom want to buy for Neetu and Nandu?
किस तरीके के ड्रेस मॉम खरीदना चाहती थी नीतू और नंदू के लिए। तो मॉम वांटेड टू बाय घाघरास फॉर नीतू एंड अ कुर्ता फॉर नंदू। नीतू के लिए घाघरा और नंदू के लिए कुर्ता। तो मॉम वांटेड टू बाय सम घाघरास फॉर नीतू एंड अ कुर्ता फॉर नंदू। ठीक है, आंसर नंबर 5। देखो पहले मैं 4 आपको समझा देती हूँ। 4 एक हॉट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आपको खुद से लिखना है, ये होमवर्क है। देखो फोर्थ वाला जो आंसर है वो होमवर्क है, इसे आपको खुद से लिखना है। साइड में वहाँ पे होमवर्क डाल लो, क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो, डू योर पेरेंट्स सिट विथ यू एंड टेल यू अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट हाउ योर पेरेंट्स डिस्कस विथ यू अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठकर कभी आपको पैसे की कीमत बताते हैं कि पैसा जो है कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या आपके पेरेंट्स आपको कभी पैसे की कीमत, मतलब पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें बताते हैं? अगर बताते हैं तो फिर आप क्या बताते हैं, ये 2 सेंटेंसेस यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप अपने 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 पेरेंट्स से पूछेंगे कि कैसे पैसा जो है इम्पॉर्टेंट होता है, और फिर 2 सेंटेंसेस पैसे की वैल्यू के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, वहाँ पे आप लिखेंगे कि कैसे जो है मनी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी क्या कद्र जो है, ठीक है, कद्र क्या है उसकी, ये आप जानेंगे अपने पेरेंट्स से। अब चलो 5th, हु केम एंड हेल्प द मदर बर्ड। कौन आया और किसने मदर बर्ड की हेल्प की। तो व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया। तो 2 बॉयज हु वर प्लेइंग नियर द ट्री केम एंड हेल्प द मदर बर्ड। 2 लड़के जो कि ट्री के पास खेल रहे थे वो आए और उन्होंने मदर बर्ड की हेल्प की। तो उन्होंने क्या किया था, दे पिक्ड अप द एग्स केयरफुली एंड प्लेस देम बैक इन द नेस्ट। उन्होंने बहुत ध्यान से उन एग्स को उठाया था जो जमीन पे गिर गए थे, और फिर से उसे नेस्ट में रख दिया था। तो आंसर नंबर 5, टू बॉयज हु वर प्लेइंग near the tree came and helped the mother bird. They picked up the eggs carefully and placed them back in the nest. They picked up the eggs carefully and placed them back in the nest. ठीक है, आप इसे जल्दी से लिख लें, पॉज करें और लिख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। So, मैं अभी सिरप कर रही हूँ और उसके बाद फिर हम आगे वोकैबुलरी एंड प्रोनंसिएशन पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो वोकैबुलरी एंड प्रोनंसिएशन आपको दिख रहा है अपनी बुक पे, यहाँ पे आप लोग आ जाइए अपने बुक पे, ये ओपन कीजिए जस्ट क्वेश्चन आंसर के नीचे। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कोलोकेशंस। ठीक है, कोलोकेशंस क्या होता है। अ कोलोकेशन इज 2 और मोर वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर। कोलोकेशन जो है ना वो
एक या दो ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि लगभग हर बार साथ बोले जाते हैं, ठीक है? हर बार ये साथ में बोले जाते हैं। तो जैसे देखो, जो कोलोकेशंस है वो कैसे होते हैं? अ कोलोकेशन इज टू और मोर वर्ड्स that often go together. ठीक है, collocations दो या दो से ज़्यादा ऐसे words होते हैं जो कि हमेशा साथ में use किए जाते हैं, most of the times वो साथ में use किए जाते हैं। जैसे कौन से examples हैं उनके जो एकदम collocations के example हैं, वो क्या हैं देखते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ द फास्ट ट्रेन और इधर मैं कहूँ द क्विक ट्रेन, तो कौन सा सही है? देखो, आपने सुना होगा द फास्ट ट्रेन, सुना है ना? क्विक ट्रेन सुना है? ये जो है ये नेचुरली हम बोलते हैं, ये नेचुरल इंग्लिश है, ठीक है? ये जो है वो नेचुरल इंग्लिश है और ये अननेचुरल है। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना क्विक ट्रेन सुनने में, अजीब सा नहीं लग रहा? देखो, फास्ट ट्रेन बहुत इजीली आप समझ सकते हो, क्विक ट्रेन, फास्ट ट्रेन, क्विक ट्रेन। तो ये जो है ना, जो हम यूजुअली बोलते हैं, जैसे हम ट्रेन के साथ यूजुअली फास्ट ही लगाते हैं, ठीक है, द फास्ट ट्रेन। तो ये एक एग्जाम्पल है कोलोकेशन का, ये कोलोकेशन है। वैसे ही मैं कहूँ फास्ट फूड और मैं कहूँ क्विक फूड, तो कौन सा सही है? देखो, फास्ट फूड आप लोग खाते हो ना? देखो, फास्ट फूड कौन कौन से हो गए, जैसे पास्ता हो गया, चाउमीन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, और क्या खाते हो बेटा आप लोग? मंचूरियन हो गया, ठीक है, नूडल्स हो गए, ये सारे फास्ट फूड्स हैं, लेकिन आप क्विक फूड नहीं बोलते हो इन्हें। तो ये एग्जाम्पल है कोलोकेशन का, जबकि ये नहीं है। सो कोलोकेशंस ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि यूजुअली, ठीक है, लगभग कई बार हम साथ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं, आप अपनी अपनी बुक में देखो, ठीक है? देखो, वैसे ही इसी नेचुरल इंग्लिश और अननेचुरल इंग्लिश में देखना, द फास्ट ट्रेन, द क्विक ट्रेन, फास्ट फूड ये सही है, क्विक फूड रॉन्ग है। फिर अ क्विक शावर ये सही है, अ फास्ट शावर गलत है, अ क्विक मील सही है, अ फास्ट मील गलत है। मील के साथ हम क्विक का यूज़ करते हैं, फास्ट का यूज़ नहीं करते। वैसे ही शावर लेते टाइम हम क्विक शावर का यूज़ करते हैं, फास्ट शावर नहीं बोलते। वैसे ही देखो, कुछ और जो है मैथ, ये क्या बोलते हैं, कोलोकेशंस जो हैं कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, किन वर्ड्स के साथ कौन सा यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो क्या क्या है देखो, सबसे पहले हैव है, अपनी अपनी बुक्स में देखो, हैव जो है वो क्या है, हैव अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साथ हैव। फिर डू, तो डू द सम, प्लस वगैरह करते हो ना आप, सम करते हो, डू द सम, डू द शॉपिंग। मेक, मेक अ डिफरेंस, डिफरेंस के साथ मेक। मेक अ मिस्टेक, मिस्टेक के साथ मेक। टेक, टेक अ ब्रेक, ठीक है, वैसे ही टेक अ चांस, टेक एन एग्जाम, टेक समवंस टेम्परेचर, मतलब किसी का जब आपको बुखार होता है तब डॉक्टर आप लोगों को थर्मामीटर लगाता है ना, और उसके बाद फिर क्या करते हैं वो, टेम्परेचर आपको चेक करते हैं, तो वो टेक समवंस टेम्परेचर। फिर ब्रेक, तो ब्रेक अ रिकॉर्ड, ब्रेक द रूल्स। कैच, कैच अ बॉल, कैच समवंस आई, मतलब किसी की किसी को ना, मतलब किसी की नज़र में आ जाना, मतलब कैच समवंस आई, मतलब किसी की नज़र में आ जाना। अगर आप किस कहीं जा रहे हो और आपके टीचर ने आपको देख लिया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आप उनकी नज़र में आ गए हो, उस टीचर की, मतलब टीचर ने आपको देख लिया है। वैसे ही, या फिर आप कोई बदमाशी करते हो तो आप नज़र में आ जाते हो कि ये बदमाश बच्चा है, ठीक है। फिर
कैच द फ्लू, मतलब कोई फ्लू हो जाना, वैसे ही। अब आप लोग पेज टर्न कर लो, फिर आ जाओ यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं। पे, तो पे अ फाइन, फाइन पे करना, किसी चीज़ का जुर्माना भरना। पे अटेंशन, ध्यान देना। पे कैश, कैश देना। पे द बिल, किसी चीज़ का बिल चुकाना। पे द प्राइस, उसके साथ भी वो यूज़ होता है। सेव, तो सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव मनी, सेव टाइम। कीप, कीप अ डायरी, कीप एन अपॉइंटमेंट, कीप द चेंज, मतलब आप छुट्टे रख लो बोलते हैं ना, जैसे हम छुट्टे तुम रख लो, बच्चे कुछ पैसे तुम रख लो, तो कीप द चेंज। कम, कम अर्ली, कम फर्स्ट, कम लेट, कम ऑन टाइम। गो, तो गो फिशिंग, गो ऑन फूट, गो सेलिंग। फिर गेट के साथ गेट अ जॉब, गेट अ शॉक, शॉक लग जाना। गेट द मैसेज, मैसेज मिल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉलोकेशंस दिए गए थे, वैसे ही कुछ और यहाँ पे दिया हुआ है। देखो सम ऑफ द अदर कॉलोकेशंस कौन कौन से हैं, तो देखो ब्लू स्काई, ये भी एक कॉलोकेशन है। फिर डीप ब्लू सी, ये भी एक कॉलोकेशन है। सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिर स्पेंड टाइम, मतलब टाइम को बिताना, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो पहला है चूज टेक और हैव टू फॉर्म कॉलोकेशंस। आपको यहाँ पे कॉलोकेशंस फॉर्म करना है, चूज क्या करना है इसमें, टेक या फिर हैव का। तो पहले एक्सरसाइज पे आ जाओ जल्दी। ए है टू ब्लैंक अ ब्रेक, ठीक है, तो ये होगा टू हैव अ ब्रेक। फिर बी, ये आपको क्या यूज़ करना है, टेक या फिर हैव का यूज़ करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। फिर बी वाला क्या है, टू ब्लैंक अ हेडेक, तो ये होगा टू हैव अ हेडेक। सी, टू ब्लैंक रेस्ट, तो टू टेक रेस्ट। डी, टू ब्लैंक योर सीट, तो ये होगा टू टेक योर सीट। ई, टू ब्लैंक एन एग्जाम, तो टू हैव एन एग्जाम। एफ, टू ब्लैंक अ बाथ, तो ये होगा, ये होगा टू टेक एन एग्जाम, और वैसे ही टू हैव अ बाथ, ठीक है। ये अभी अभी हमने पढ़ा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको चूज करना है कैच, पे और कीप में से। कैच, पे और कीप में से आपको चूज करना है। तो ए है टू ब्लैंक अ कोल्ड, तो ये हो जाएगा टू कैच अ कोल्ड। फिर बी, टू ब्लैंक द स्कूल फीस, तो टू पे द स्कूल फीस। सी, टू ब्लैंक अ पेट एनिमल, तो ये होगा टू कीप अ पेट एनिमल। फिर डी, टू ब्लैंक द मनी, तो टू पे द मनी। फिर ई, टू ब्लैंक द फ्लाइट, टू कैच द फ्लाइट।
to blank the bills. तो टू पे द बिल्स. चलो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट खींच लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं. लिख लेना उसके बाद. चलो अब देखो आगे क्या है. यहाँ पे आपके लॉन्ग शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल पैटर्न डबल ओ वाले वर्ड्स आपको बताए गए हैं. ये यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे. तो देखो प्रोनाउंस इसका जो है हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये यहाँ पे सीखेंगे. इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना. बलून बलून. स्कूल स्कूल. जू जू. मून मून. रूस्टर रूस्टर. कूल कूल. टू टू. नून नून. ब्रूम ब्रूम. स्मूथ स्मूथ. स्पून स्पून. पूल पूल. रूट रूट. फूल फूल. टूथ टूथ. रूफ रूफ. चूज चूज. स्कूटर स्कूटर. लूज लूज. रूम रूम. सो देखो यहाँ पे मैंने आपको ये सारे वर्ड्स अभी पढ़ के बताए, इसे प्रोनाउंस करके बताया. अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज पे. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं इसी से रिलेटेड जिसे हम अभी फिल करेंगे. तो ये है थर्ड एक्सरसाइज. फाइंड द डबल ओ वर्ड्स विथ लॉन्ग वोवल साउंड. आपको यहाँ पे लॉन्ग वोवल साउंड वाले डबल ओ वर्ड्स फिल करने हैं. ठीक है, तो मैं इसे रब कर देती हूँ. चिल्ड्रन प्ले विद दिस. चिल्ड्रन बच्चे इनसे खेलते हैं. तो देखो एल डबल एल डबल ओ दिया हुआ है, ऐसे ब्लैंक है, ऐसे ऐसे फिर डबल एल डबल ओ फिर ऐसे. तो आप यहाँ फिल करेंगे बी ए डबल एल यहाँ पे है एन बी. वी स्वीप द फ्लोर विद दिस. हम जो फ्लोर होता है, ठीक है, मतलब आपके जो फर्श होती है उसमें झाड़ते हैं. तो ब्रूम झाड़ू से झाड़ते ना, तो बी आर डबल ओ एम. वी गो टू दिस प्लेस एवरी डे टू स्टडी एंड प्ले. हम यहाँ पे हर दिन जाते हैं स्टडी करने के लिए और खेलने के लिए. तो ब्लैंक ब्लैंक एच डबल ओ ब्लैंक. तो ये होगा स्कूल एस सी एच डबल ओ एल. फिर डी एनिमल्स आर केप्ट हियर. यहाँ जानवरों को रखा जाता है. तो जू. ई A cock is also called as blank. एक जो मुर्गा होता है उसे और क्या कहा जाता है. तो यहाँ पे देखो एक ब्लैंक ऐसे है, फिर डबल ओ एस, फिर तीन ब्लैंक. तो आर डबल ओ एस टी ई आर. एक जो कॉक होता है उसे रूस्टर भी कहा जाता है. दिस इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स. ये जो है एक प्लांट का, पौधे का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि पानी और ज़मीन से मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करता है. तो देखो क्या होगा, डबल हो है ओ है ऐसे यहाँ पे दो ब्लैंक, तो आर और डबल ओ टी. जी दिस इज अ टू व्हीलर. ये दो चक्के वाली कोई गाड़ी है. तो ये दो ब्लैंक है यहाँ पे, डबल ओ टी फिर दो ब्लैंक. तो एस सी डबल ओ टी ई आर स्कूटर. ठीक है, ये है आपका थर्ड वाला. अब यहाँ पे मैं आपको फोर्थ वाला भी भरवा देती हूँ. फोर्थ है पिक द पार्टनर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको यहाँ पे इनसे इसका पार्टनर मतलब इसे किस वर्ड के साथ बोला जाता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है. तो देखो पिक
द पार्टनर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. पहला है सन, तो उसके साथ देखो एम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डबल ओ एन. सन और मून को एक साथ बोलते हैं. फिर बी टाइट, तो टाइट के साथ क्या आएगा? एल पहले से दिया हुआ है, डबल ओ एस ई. टाइट मतलब एकदम कसा हुआ, तो लूज मतलब थोड़ा खुला खुला. सी रफ, खुरदुरा, तो स्मूथ. एस दिया हुआ है, एम डबल ओ टी एच, एकदम मतलब चिकना. डी एस दिया हुआ है फिर ऐसे, और फोर्क, फोर्क के साथ है तो स्पून और फोर्क, चम्मच और कांटा, सॉरी स्पून. ई पिक दिया हुआ है, मतलब कोई सा उठा लेना, तो चूज. पिक का पार्टनर है चूज. ठीक है, जल्दी से इसे कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ते हैं. चलो तो ये हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखो इसके नीचे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, उस पे आ जाते हैं. तो देखो द शॉर्ट डबल ओ ऊ हैज टू स्पेलिंग पैटर्न्स. तो कैसे कैसे है यहाँ पे देखो, जो शॉर्ट डबल ओ साउंड होता है ना वो ऊ टाइप का साउंड करता है, जैसे पुट और पुल वैसी फुट, पुट फुट एक टाइप का साउंड करते हैं जो शॉर्ट वॉवल साउंड होते हैं डबल ओ वाले. ठीक है, ये आपको याद रखना है. एक जैसे साउंड करते हैं यू और डबल ओ शॉर्ट वॉवल साउंड में. इसमें ये सेम साउंड करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए पुट और फुट. ठीक है, अब यहां पे दिया है रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एंड फाइंड द नेम्स विद द शॉर्ट डबल ओ साउंड. यहां पे आपको पहचानना है कि कौन से शॉर्ट डबल ओ साउंड वाले वर्ड्स हैं. यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देती हूँ, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग, ऊपर दिया गया है चूज करके लिखना है, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एंड फाइंड द नेम्स विद द शॉर्ट डबल ओ साउंड, विथ द शॉर्ट डबल ओ साउंड. ठीक है, तो पहला है अ बर्ड दैट मेक्स होल इन द बार्क ऑफ अ ट्री. एक बर्ड जो कि ट्री में, उसके जो ट्री होता है ना ऐसे, उस पर होल करती है. ठीक है, उस पर होल बनाती है, तो उस बर्ड को क्या कहते हैं? तो ये होगा वुड पैकर. फर्स्ट का आंसर है वुड पैकर. फिर बी अ गेम इन विच दे किक द बॉल. एक ऐसा गेम जिसमें बॉल को किक किया जाता है, तो फुटबॉल. फिर सी द पर्सन हु वर्क्स इन द किचन एंड प्रिपेयर्स फूड. एक ऐसा पर्सन जो कि किचन में काम करता है और फूड बनाता है, तो उसे कहते हैं हम कुक, सी डबल ओ के कुक. डी We say this first to wish someone in the morning, evening or night. हाँ, जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम ये वर्ड मॉर्निंग, नाइट या फिर इवनिंग के सामने लगाकर उसे विश करते हैं. तो हम क्या लगाते हैं? गुड. हम बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर गुड नाइट, तो हम गुड वर्ड इनके सामने लगाते हैं. फिर ई वी ऑल लाइक टू रीड स्टोरीज फ्रॉम दिस बुक. तो वी ऑल लाइक टू रीड स्टोरीज फ्रॉम दिस बुक. हम क्या से स्टोरीज पढ़ते हैं? तो बुक से पढ़ते हैं. ठीक है,
आप जल्दी से पॉज करके लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ जाते हैं प्रोनाउंस पे। प्रोनाउंस मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जो भी हम नाउंस की जगह पे यूज़ करते हैं उन्हें ही हम प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे जो हैं प्रोनाउंस होते हैं। तो प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ठीक है, वैसे ही दे, ही, शी, इट, ठीक है, ये सारे जो हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। अब देखो, अब ग्रामर ओपन करो, ग्रामर में देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको बोला गया है कि आपको सही सही प्रोनाउन या फिर वर्ब जो है वो ब्लैंक में भरना है। तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि कैसे भरना है। तो देखो, जब भी प्रोनाउंस होंगे आई, यू, वी, दे, तो आप सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है। जैसे अगर कुक है तो आप सिर्फ उसे कुक ही रहने दोगे, ठीक है। अगर आई, यू, वी, दे ऐसे प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउंस हैं, तब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अब अगर ही, शी या फिर इट प्रोनाउन है, तब फिर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगाओगे। आप पहले ही सीख चुके हो ग्रामर में कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम लगाते कैसे हैं, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था ना बेटा, जैसे डू है उसमें आपको एस या ई एस लगाते हैं, तो हम ई एस लगाते हैं, तो ये बनता है डज। तो जब ही, शी या इट प्रोनाउन हो, उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें या तो एस या ई एस, अगर ई एस लगता है तो आप ई एस लगाएंगे, अगर एस लगता है तो आप एस लगाएंगे, ठीक है। चलो ये थी बेसिक बात, आप चाहे तो इसे लिख सकते हो। ओके, तो चलो अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। यहाँ पे आपको फिल करने के लिए दिया गया है, इसे हमें फिल करना है। चलो वीडियो पॉज करके लिख लेना अगर नहीं लिख पाए थे तो। सबसे पहला है ए वाला, हम फिल करेंगे दिस इज मिस्टर शर्मा, ये दिया हुआ है। फिर देखो ब्लैंक है, ही और शी दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि जो मेल होते हैं उनके साथ हम ही लगाते हैं, तो आप पहले ब्लैंक में यहाँ पे ही लिखेंगे, ही इज़ अ डॉक्टर। फिर ही ब्लैंक इन अ हॉस्पिटल, तो सेकंड ब्लैंक में आप लिखेंगे ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। मैंने बताया था जब भी ही, शी, इट होता है तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, तो वर्क और वर्क्स में से हमने लगाया वर्क्स। फिर ही ऑलवेज ब्लैंक अ वाइट कोट, तो वो क्या पहनते हैं? फिर देखो उसके बाद वाले ब्लैंक में आप भरेंगे ही ऑलवेज वियर्स अ वाइट कोट। बी, आई ब्लैंक अ नर्स, आई के साथ हम लगाते हैं एम, तो आई एम अ नर्स। आई ब्लैंक इन अ हॉस्पिटल, फिर देखो आई आ गया, आई में मैंने बताया था कि सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। फिर I blank sick people, फिर से देखो I है तो help आएगा या helps आएगा? Help आएगा, तो I help sick people. C, here comes Raj and his sister Kiran. अब कौन आ गया? देखो राज आ गया और उसकी sister कौन आ गई? किरण आ गई। They blank to school, they blank to school, देखो they है यहाँ पे, तो goes आएगा या go आएगा? मैंने बताया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दे गो टू स्कूल। फिर दे ब्लैंक गुड स्टूडेंट्स, तो दे आर गुड स्टूडेंट्स, एक रहता कोई तो हम इज लगाते हैं, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, तो दे आर
गुड स्टूडेंट्स. फिर देयर मदर ब्लैंक द चिल्ड्रन टू द शॉप. तो देखो, टेक्स है और टेक है, ठीक है, टेक्स है और टेक है. तो आप क्या लगाओगे, जब भी कोई एक होता है, तो मैंने बताया था आपको कि हम वर्ब का ये मतलब ही शी इट जो रहेगा, साथ में कोई नेम रहेगा या कोई पर्सन रहेगा, तो उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं. तो यहाँ पे मदर के साथ होगा टेक्स द चिल्ड्रन टू द शॉप. फिर शी, शी के साथ क्या होता है, बाय या बाइज, तो बाइज, शी बाइज. पेंसिल्स पेन्स एंड नोटबुक्स फॉर देयर स्कूल वर्क. उन्होंने क्या खरीदा, पेंसिल्स पेन और नोटबुक उनके स्कूल के लिए. फिर देखो, दिस इज शीना डी, शी ब्लैंक अ टीचर. दिस इज शीना, ये शीना है, शी इज अ टीचर. शी ब्लैंक इंग्लिश, तो शी टीचेस इंग्लिश, पढ़ाती है, शी टीचेस इंग्लिश. फिर शी ब्लैंक अ गुड टीचर, तो शी इज अ गुड टीचर. फिर ई, दिस इज पीटर, ही ब्लैंक अ पोस्टमैन. ये पीटर है, वो एक पोस्टमैन है, तो ही इज अ पोस्टमैन. ही ब्लैंक लेटर्स, ही ब्रिंग्स लेटर्स, लाता है, तो ब्रिंग्स लेटर्स. फिर एफ, सैम इज माई फ्रेंड, सैम मेरा दोस्त है. सैम एंड आई ब्लैंक पायलट, सैम और मैं क्या है, पायलट्स है, प्लेन उड़ाते हैं, तो सैम एंड आई आर पायलट्स. वी ब्लैंक एरोप्लेन्स टू फार ऑफ कंट्रीज, तो वी फ्लाई एरोप्लेन्स टू फार ऑफ कंट्रीज. ठीक है, ये हमने फिल कर लिया ए से लेके एफ तक. आप जल्दी से लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो, तो ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू, बाय बाय.